वृंदावन का एक भक्त था, उसका उसका उसको सब अलबेला कहते थे वृंदावन में, उसको नाम ही पड़ गया था अलबेला। तो बंधुओं, वो रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाता था अपने सब मित्र मंडली के साथ में, वृंदावन में रहता था। बिहारी जी का दर्शन करने के लिए नित्य जाता तो सारे उसके सखा दर्शन करते, सखा मतलब सब भजनानंदी थे, अलग अलग कुटियाओं से सब एक जगह मिलते, फिर बिहारी जी का दर्शन करने जाते। बहुत वर्षों तक बिहारी जी ने उसको दर्शन दिया, लेकिन एक दिन एक अचंबा हुआ। जैसे ही बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गया तो बिहारी जी में बार बार पर्दा आता है, तो पर्दा आया हुआ था, दर्शन करने के लिए सब खड़े थे। जैसे ही पर्दा हटा सब कहने लगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसके संग जो बाकी के भजनानंदी संत थे वे भी सब कहने लगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन उसने नहीं कहा, वो सामने जब देख रहा था तो बिहारी जी जब बाहर विराजते हैं तो बगल में सखियां चमर ओवर लेके सब खड़ी रहती हैं, चांदी के सिंहासन रहता है, सब फूल बंगला बना रहता है, फूल बंगला है, सिंहासन है, सखियां हैं, लेकिन बिहारी जी उसको नहीं दिख रहे थे। अगल बगल वालों को बोला, बोले तुम जय जयकार क्यों बोल रहे हो? बोले अरे बिहारी जी के दर्शन तो जय जयकार से ही होते हैं। उसने आंख मीड़ करके देखा, बोले बिहारी जी बैठे हैं सामने। बोले अरे दिख तो रहे सामने, तू दर्शन क्यों नहीं कर रहा है? और वो कैसे कहे सबसे कि मुझे दिख ही नहीं रहे। मन ही मन विचार करने लगा, अपनी आंखें मीड़ने लगा, क्या हो गया मुझे, ठाकुर जी दिख क्यों नहीं रहे। चला गया, रात भर सोया नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, यमुना जी से प्रार्थना करता है कि हे यमुना मैया, मोसो कोई अपराध है गयो जो ठाकुर जी मो को दर्शन नहीं दे रहे। किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि यदि किसी से जाकर के कहा तो सब लोग मेरा आश्चर्य करेंगे, लोग मेरी बात बनाएंगे, पूरे वृंदावन में हल्ला मच जाएगा। शाम को प्रणाम करके पुनः बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गया। बोले कल पता नहीं क्या हुआ, मैं देख नहीं पाया हूँ, मुझसे कोई अपराध बन गया होगा, आज बिहारी जी दिखेंगे। दूसरे दिन जब पुनः गया, सबने दर्शन किए, कपाट खुलते सब जय जयकार करने लगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसने फिर देखा तो सामने फिर बिहारी जी नहीं दिखे, अकेला सिंहासन खाली। चिंता में पड़ गया, ब्लड प्रेशर हाई, पसीना पसीना हो गया, मुझसे क्या अपराध हो गया, बिहारी जी मुझे दिख क्यों नहीं रहे। किसी को पता ना चले तो उनसे बड़े अलग ढंग से पूछता है, बिहारी जी की पोशाक बड़ी सुंदर है ना, तो बताते हाँ आज तो पीली पोशाक पहनी है, आ हा देखो कमल की माला पहनी है, बिहारी जी का मुकुट कितना सुंदर लग रहा है, बिहारी जी की सुंदर देखो क्या छटा दिख रही है, गाल ऐसे चमक रहे हैं। सुनकर के रोने लग जाता, बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं। रात भर नहीं सोया, दो दिन हो गए, ना सोया ना खाया ना पिया कुछ नहीं, बस इसी चिंता में है कि बिहारी जी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तीसरे दिन सुबह वृंदावन परिक्रमा लगा करके आया, यमुना स्नान किया, ब्रजवासियों को प्रणाम करने लगा, अरे कोई अपराध हो गया हो तो हे बिहारी जी क्षमा करना। अपने दोनों उंगलियों को मीड़ करके आज एक बार अपने ऊपर विश्वास करके तीसरा प्रयास करता है, आज यदि बिहारी जी दिख गए तो ठीक, नहीं तो प्राणों का त्याग कर दूंगा। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, कपाट खुले, सबको बिहारी जी दिखे, उसको नहीं दिखे, तत्क्षण निकल गया। यमुना जल में अपने प्राणों का परित्याग करने का मन बना लिया। बोले जिस देह को बिहारी जी नहीं दिख रहे, उस देह को जीवित रख के क्या फायदा, जिस देह से, जिन कानों से कथा नहीं सुन सकते, जिन आंखों से दर्शन नहीं कर सकते, जिन नाक से ठाकुर जी के चरणों की सुंदर सुगंधी नहीं ले सकते, जिस जीव से ठाकुर जी का प्रसाद नहीं पा सकते, जिन पैरों से प्रदक्षिणा नहीं कर सकते, उस देह का मतलब क्या है रहने का। निकल गया, बोले आज प्राणों का परित्याग कर दूंगा। यमुना के किनारे जाकर के बैठ गया, हे यमुने मैया कृपा करो, मुझसे कोई अपराध है गया, मुझको याद है मैंने ऐसो कछु ना कियो, जाके भाव से ठाकुर जी मुझको दर्शन नहीं दे रहे हैं। यदि मेरो कोई अपराध है, बिहारी जी मुझको दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो या दर्शन ना देनो तो एक प्रकार से मेरो वध के समान है, मैं आज अपने प्राण त्याग दूंगा। यमुना जल में प्रवेश करने लगा अपने प्राणों के परित्याग के लिए, तभी एक
व्यक्ति वहां पर आया, उसको कुष्ठ रोग हो गया था, उसको एक रोग हो गया था, उसके पूरे शरीर पर, पूरे अंग पर, पूरे मुख पर दाने हो गए थे। उस व्यक्ति ने आकर कहा, अरे महाराज रुको, अपने प्राण मत त्यागो, यदि तुम चले गए तो मेरा बहुत बड़ा घाटा है जाएगो। बोला, तुम्हारा क्या घाटा होगा? बोले, बाहर तो आओ, मेरी बात तो सुनो। बाहर आए, उन्होंने कहा, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? बोले, महाराज मेरे को एक त्वचा का रोग हो गया है। बोले, अच्छा, तो इसका इलाज करवाओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोले कि मैंने इलाज करवाया लेकिन मेरा ये दूर नहीं हुआ, मैं वृंदावन आकर के रहने लगा। तभी एक संत ने मुझसे कहा कि भैया, यदि तुमको अपना कुष्ठ रोग दूर करना है तो मैंने स्वप्न में तुमको देखा था और स्वप्न में बिहारी जी ने मुझे प्रेरणा दी कि यदि मेरा भक्त अलबेला इसको कह दे, इसकी गुहार मुझसे लगा दे कि हे बिहारी जी, इसका कुष्ठ रोग ठीक कर दो, तो ये ठीक हो जाएगा। अलबेला बोला, ये कौन सी विचित्र बात बता रहे हो, तुमको रोग हुआ और मैं बिहारी जी से कहूं कि इसका रोग दूर कर दे और बिहारी जी तुम्हारा रोग दूर कर देंगे? जो मुझे दर्शन नहीं दे रहे वो मेरी बात से तुम्हारा रोग कैसे दूर कर देंगे? बोले, आपका क्या लग जाएगा, आपको केवल इतना ही तो कहना है बिहारी जी इसको ठीक कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप फिर जो चाहो वो कर लेना, इतना कहना ही तो है। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मान जाए तो बढ़िया है, मुझे तो दर्शन हो नहीं रहे बिहारी जी के। हे बिहारी जी, मेरे से तो कोई अपराध हो गया, मुझे तो दर्शन दे नहीं रहे हो, लेकिन इस भक्त का भाव है, यदि मैं कह दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं प्रणाम करके कहना चाहता हूं, इस भक्त का कुष्ठ रोग ठीक कर दो। जैसे उन्होंने कहा इसका कुष्ठ रोग ठीक कर दो, उसके अंग के सारे रोग दूर होने लगे, एक एक करके उसका समस्त जो जितना भी उसके अंग पर जो भी पीड़ा थी सब दूर हो गई। भक्त देख करके आश्चर्य करने लगा, मेरे को दर्शन नहीं दे रहे, 3 दिन से मुझे दर्शन जिनका नहीं हो रहा वो मेरे एक बार कहने पर तुम्हारे रोग को दूर कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। इतने में सामने सांवरे सलोने श्री बिहारी जी महाराज प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उसको दर्शन दे दिया। पहले तो दर्शन करके आनंदित हो गया, खूब रोया, बोले प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया जो मुझे दर्शन नहीं दिया, और ये सब क्या लीला है आपकी, मुझे एक बार बताओ, विस्तार से वर्णन करो, ये सब क्या हुआ है। बिहारी जी कितनी अच्छी बात कहते हैं, बिहारी जी बोलते हैं, वो संसार के लोग मेरे मंदिर में आते हैं, सब कोई भी शांत नहीं रहता है, बोलते ही रहते, अपने सब कष्ट मुझको बताते हैं, किसी के परिवार में कष्ट, किसी के शरीर में कष्ट, किसी की मैया से दुखी, किसी कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, सब कष्ट में हैं, सब मुझसे आकर के यही मांगते रहते हैं कि हे बिहारी जी कृपा करो, लेकिन आज तक तूने मुझसे आकर के कुछ नहीं कहा, तू सदा सर्वदा शांत रहा, तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, एक शब्द नहीं मांगा, तो जब भी मंदिर में आता है शांत भाव से खड़ा रहता है, मेरा दर्शन करके चला जाता है, कभी मुझसे कुछ मांगता नहीं। तो लोगों के मांगने से मेरे अंदर ऐसा भाव प्रकट हो गया, मैं केवल देना ही जानता हूं, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अलबेला मेरे से आकर के कभी कुछ नहीं मांगता है, तो जो मुझसे कुछ नहीं मांगता ऐसे व्यक्ति को मैं दर्शन कैसे दूं, मुझसे कभी कुछ मांगता ही नहीं है, उसको दर्शन देने का तो मुझे अधिकार ही नहीं है, मुझे स्वयं पर एक ऋण जैसा लगता है, तू कुछ मांगता नहीं है तो, क्योंकि संसार के लोग मांगते हैं, तू नहीं मांगता ना, इसलिए मुझे ऋण लगता है, ऐसा लगता है मुझ पर लोन चढ़ा दिया तूने, इसलिए उस ऋण से उऋण होना चाह रहा था मैं, इसलिए 3 दिन से भाग रहा था। ऋण मांगने वाले जब आते हैं तो ऋण देने वाला भाग जाता है, ऐसे ही तू रोज आता था तो मैं रोज चला जाता था कि इस पर इसका ऋण मुझ पर चढ़ा है, मैं कैसे दूर करूं उस ऋण को। लेकिन आज मैंने एक लीला करवाई, तू 3 दिन से रो रहा था मुझे दर्शन दो, मैंने कि पहले तेरा ऋण चुकता होगा तभी तुझको दर्शन दूंगा, तो मैंने ऐसी योजना बनाई कि तेरे द्वारा कुछ तो मांगा जाए, तो इस कुष्ठ रोगी का कुष्ठ रोग दूर करने का भाव तूने मुझसे मांगा, तेरा ऋण उतर गया, मैंने तुझको दर्शन दे दिया। इसका मतलब
दो भाव में है। इसका मतलब ये मत समझना कि बिहारी जी से हम कुछ मांगेंगे नहीं तो बिहारी जी अदृश्य हो जाएंगे, नहीं। अरे विचार करो, बिहारी जी के सामने जाकर के केवल शांत रहोगे, कुछ कहोगे नहीं, केवल बिहारी जी का दर्शन करोगे, अपने मनोभाव कुछ नहीं व्यक्त करोगे। शांत व्यक्ति ठाकुर जी को अति प्रिय है। सबको तो मंदिर में मिलेंगे, तुमको कहीं एकांत में मिलेंगे आकर के, वहां दर्शन देंगे। इसलिए बिहारी जी को सदा सर्वदा प्रणाम करो।